सकती हैं। अटल पेंशन योजना या एपीवाई एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसमें निवेश कर आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकती हैं। मूल रूप से ये स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब वंचित श्रमिकों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा जो इनकम टैक्स देता है। योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को 60 साल की उम्र यानी रिटायरमेंट की उम्र के बाद मासिक पेंशन की गारंटी देती है। लेकिन पेंशन मिलता कितना है? सरकार 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देती है। पेंशन की ये रकम आपके निवेश पर निर्भर करता है, यानी आप जैसा पेंशन चाहेंगी आपको उसी के आधार पर निवेश करना होगा। लेकिन निवेश कितना करना होगा ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है, मतलब आप जितनी जल्दी निवेश करना शुरू करेंगी पैसे उतने ही कम जमा करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए प्रति महीने के पेंशन स्कीम को चूज किया और आप ये निवेश 18 साल की उम्र में शुरू करना चाहती हैं, तो आपको प्रति महीने 42 रुपए जमा करने होंगे। अगर 28 की उम्र में निवेश करती हैं तो प्रति महीने देने होंगे 97 रुपए और 38 की उम्र में अगर शुरू करती हैं तो देने होंगे 240 रुपए। अब सवाल उठता है कि निवेश कितने समय के लिए करना होगा। आप निवेश 18 से 40 की उम्र के बीच कभी भी शुरू कर सकती हैं और इसे 60 साल की उम्र तक जारी रखना होगा। चूंकि ये स्कीम मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है तो पैसे जमा करने को लेकर सरकार ने थोड़ी रियायतें भी दी हैं। जैसे आप चाहें तो हर महीने, हर 3 महीने या हर 6 महीने पर निवेश की रकम जमा कर सकती हैं। एपीवाई के फायदे क्या हैं? हर महीने आपको गारंटीड पेंशन मिलती है। लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो पेंशन की वही राशि उनकी पत्नी या पति को हर महीने मिलने लगती है। मान लीजिए कि लाभार्थी और उसकी पत्नी दोनों की ही मौत हो जाती है, फिर इस सूरत में नॉमिनी को 1,70,000 से 8,50,000 रुपए तक दिए जाते हैं। एपीवाई अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? एपीवाई अकाउंट खोलने के लिए आपके पास किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक्टिव सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। देश के अमूमन सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स में एपीवाई अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई है। अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। आपको किसी भी बैंक से एपीवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है, उसे भरना है। मुख्य रूप से फॉर्म में 3 जानकारी मांगी जाएगी। सबसे पहले आपके बैंक सेविंग अकाउंट डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स, तीसरा पेंशन डिटेल्स जिसमें आपको अपना पेंशन प्लान चूज करना होगा। मसलन आप 1,000, 2,000, 5,000 कितने रुपए का पेंशन चाहती हैं। अब निवेश आप हर महीने करेंगी, क्वार्टरली करेंगी या हाफ ईयरली, इसे भी आप चूज करेंगी यहाँ। लेकिन मान लीजिए